प्रदेश का बजट बहुत ही निराशापूर्ण जनक है। इसमें युवाओं को, किसानों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कुछ नहीं है। पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है। राजस्थान की तर्ज पे छत्तीसगढ़ सरकार ने भी, कांग्रेस सरकार ने भी पुरानी पेंशन बहाल की है। अब मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए आनाकानी कर रही है। जो प्रदेश सरकार का बजट था, वो प्रदेश सरकार का बजट केवल अपने ही स्वार्थ के लिए बजट है। इस बजट में ना तो युवाओं के रोजगार के लिए कोई बड़ा ऐलान हुआ है, न तो किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान हुआ है, ना ही किसी कर में छूट दी गई है। तरह तरह के टैक्स जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगा रखे हैं, लेकिन उस टैक्स में भी किसी भी प्रकार का कोई छूट नहीं मिली है। युवा हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं और ना ही कोई अच्छे विकास का मॉडल है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। आज देखा जाए तो बिजली के दाम चरम सीमा पर जा रहे हैं, 1 अप्रैल से भी बिजली के दाम पड़ने वाले हैं। कोई भी सार्थक बजट नहीं है, ये बजट केवल माफियाओं के लिए है और भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो चाटुकार लोग हैं, ये उनके फायदे के लिए बजट है। मनरेगा के तहत जो बजट पेश किया जाएगा, मनरेगा में क्या होगा, लेकिन मनरेगा के बजट के बाद भी खाली दिखाने के लिए, उसके बाद भी काम पूरा मशीनरी के द्वारा किया जाए, कराया जाएगा और जो मजदूर वर्ग है वो बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए मशक्कत करता रह जाएगा। तो ये बजट पूरी तरह से किसी काम का नहीं है। कोई टैक्स में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है। ये बिल्कुल ही थर्ड क्वालिटी का बजट है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक रहेगी वो अपने स्वार्थ के लिए अपने फायदे का बजट पेश करती रहेगी। यही है बजट का हाल। के जिले सीधी मध्य प्रदेश में बजट पेश हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हाँ जरूर, अभी प्रदेश का बजट पेश हुआ है और बजट कुछ उचित नहीं है। जिस प्रकार से बजट अभी मध्य प्रदेश का पेश हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं ये देखा गया कि युवाओं को तो झुंझुना पकड़ा दिया प्रदेश सरकार ने, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम चल रहा है। किसी प्रकार से ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल की स्थितियां एकदम दयनीय हैं, ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं, युवाओं के रोजगार को लेकर कहें तो एकदम सड़क पर आ चुके हैं युवा। कोई भी बजट सराहनीय नहीं, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और शासन को सही उचित तरीके से इसका व्यवस्थाएं देखनी चाहिए और सही तरीके से इसका बजट पेश करना चाहिए। सरकार सत्ता में बैठी भाजपा सरकार सिर्फ निकम्मों वाली काम कर रही है। ऐसी निकम्मी सरकार को ये जिम्मेदारी देखना चाहिए कि देश में 70% आबादी युवाओं की है और युवाओं जिस तरह के बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं और नशे की चपेट में आ रहे हैं, तो सिर्फ ये सत्ता सरकार बैठी भाजपा सरकार की वजह से और किसी को नहीं मानना था। और कहीं ना कहीं इसको जिम्मेदारियों को निर्वहन करें जो सत्ताधीश बैठे हुए हैं, तो युवाओं को रोजगार दें, युवाओं के बजट का भी आगे का कार्य करें। धन्यवाद।